तो रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शैलजा ने प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने मनोहर लाल के द्वारा सोनिया गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी भाषा ये उनकी सोच और बीजेपी की सोच को दर्शाती है। कुमारी शैलजा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गांव लड़खड़ा गए हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है, इसीलिए हार के डर से प्रधानमंत्री को रैली करने रेवाड़ी आना पड़ता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी द्वारा पूछे गए सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी विकास के लिए आए पैसों का दुरुपयोग नहीं किया है। जिस तरीके से जनता के विकास के लिए आए पैसों को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च किया, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर 5 साल पैसा खराब ना करते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहे, अपनी मजबूरी करते रहे, अगर उसका पैसा बचा देते तो वो भी ये काम कर सकते थे। अब 5 साल तो इनकी विफलताएं रही है और जब कांग्रेस कह रहे थे तो इनके मुँह घबरा गए हैं, इनके माँ लड़खड़ा गए हैं। अब इस तरह की बातें कांग्रेस ने पहले भी जो कहा वो घर में दिखाया, आगे भी। कुमारी शैलजा ने कैप्टन अजय यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम किया है, इसीलिए जनता उन्हें लगातार 6 बार से जिताकर चंडीगढ़ भेज रही है। ऐसे ही कोई 6 बार नहीं जीतता है। साथ ही उन्होंने युवा नेता चिरंजीव को भी भारी वोटों से जिताने की अपील की है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करवा देना और सरकार कांग्रेस की बनेगी। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आज दोनों ने देश की अर्थव्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है। साथ ही सोनिया गांधी पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इलाज करवाना चाहिए जिनका खर्च कांग्रेस वहन करेगी। साथ ही उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार 100% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 100% चिरंजीवी जी की उम्मीद है, आप सबसे ज्यादा झूठ और सच का लड़ाई सच हमेशा जीत होता है। इस बार इतने बड़े बड़े वादा किया था, प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रैली के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर जनता का समर्थन हासिल करना चाहती हैं। हालांकि जनता किसे हरियाणा का ताज पहनाती है ये तो 24 अक्टूबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।